इस सब के बीच में रूस से सामने आई चौंकाने वाली खबर, ब्रेक करें। रूसी सेना की यूनिफॉर्म के 15 लाख सेट्स गायब, रूसी सांसद आंद्रे गुरुलेव के हवाले से जानकारी। सैनिक तैयार लेकिन यूनिफॉर्म गायब है, यह और हैरान करने वाली खबर, जरा ध्यान से देखेगा। रूसी सैनिकों की यूनिफॉर्म के 15 लाख सेट्स जो है वो गायब है। रूसी सांसद आंद्रे गुरुलेव के हवाले से यह जानकारी आई है। 21 सितंबर को पुतिन ने आंशिक मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था। मोबिलाइजेशन के तहत रूसी नागरिकों की ट्रेनिंग चल रही है। यूनिफॉर्म गायब होने से रूसी सेना के लिए नई समस्या खड़ी हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हो रहा है इसके बाद, अब यह खबर कितनी बड़ी है, कुछ सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, आप थोड़ा पुल आउट करिए, फुल बॉल हम दिखा सकते हैं यहां पर। रूसी सेना की यूनिफॉर्म के 15 लाख सेट्स कहां गायब हो गए? रूसी सेना की यूनिफॉर्म के 15 लाख सेट्स कहां गायब हो गए? पार्शल मोबिलाइजेशन की अगर बात की जाए, उसके ऐलान के बाद ऐसी खबर आने का क्या मतलब है? क्या 3 लाख के बजाय 15 लाख लोगों को यूनिट्स यूक्रेन भेजने की सीक्रेट तैयारी है? क्या 15 लाख रूसी लोग जंग लड़ने के लिए पहले ही यूक्रेन भेजे जा चुके हैं? अगर 15 लाख यूक्रेन भेज दिए गए तो क्या पुतिन को इसकी जानकारी है? क्या पुतिन जंग जीतने के लिए अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं? क्या रूसी सेना प्रेसिडेंट पुतिन से बड़े राज छिपा रही है?